हेलो फ्रेंड, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी रेसिपी जिसे खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। इसको बनाने के लिए हमने अरबी के पत्ते लिए हैं और इसमें थोड़ा सा बेसन डाल लिया है और यहाँ पर हमने थोड़ा सा प्याज अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट बनाया है जिसमें हमने थोड़ा सा हल्दी पाउडर धनिया पाउडर और थोड़ा सा गर्म मसाला डालकर रख लिया है। अब यहाँ पर हम बेसन को अरबी के पत्ते में अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पत्ते पानी छोड़ते हैं। इसमें हम थोड़ा सा बेसन और डालेंगे और पेस्ट को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। बेसन हमारा पत्तों में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब यहाँ पर हम इसकी पकौड़ी बनाएंगे। आप चाहें तो किसी भी साइज और किसी शेप में भी बना सकते हैं। और दूसरे साइड हमने कढ़ाई में ऑयल डाल के रख दिया था और यहाँ पर ये गर्म हो रहा है। अब यहाँ पर हम पकौड़ी को डालेंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और अब इसी तरह से सारी पकौड़ियों को बना लेना और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो एक साइड पकौड़ी हमारी अच्छे तरह से हो गई है। अब इसे हमें पलटना है, बहुत ही ध्यान से पलटना है वरना ये क्रैक हो सकता है। वैसे गाइज हमारे यहाँ इसको सहना बोला जाता है, आपके यहाँ इस पकौड़ी को क्या बोला जाता है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर पकौड़ी हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसकी सब्जी भी बना सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसकी सब्जी कैसे बनाई जाएगी। ग्रेवी बनाने के लिए हम सबसे पहले बेसन लेंगे और बेसन लेने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा हम तड़का लगा लेंगे मेथी दाने का। अब यहाँ पर मेथी अच्छे तरह से हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे प्याज का पेस्ट जो हमने पहले से बना के रख लिया था। अब यहाँ पर जब तक इसमें ऑयल ना छोड़ दे इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। अब यहाँ पर हमने बेसन ले लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया है। इसको अच्छी तरह से फेटेंगे, इसमें लम्स ना पड़े, इसको इतनी अच्छी तरह से फेटना है। अब यहाँ पर हम ग्रेवी चलाएंगे और चलाने के बाद यहाँ पर सेना डालेंगे जो कि हमने पहले से पकौड़ी बना के रख ली थी और इसको अच्छी तरह से चलाएंगे। और ध्यान रहे, थोड़ा ध्यान से चलाना है क्योंकि यहाँ पर हमारी पकौड़ी टूट भी सकती है। तो यहाँ पर हमने ग्रेवी को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है। अब यहाँ पर बने हुए जो बेसन के पेस्ट हैं इसको इस ग्रेवी में मिक्स करेंगे अच्छे से और इसको चलाएंगे। तो गाइस ध्यान रहे, इसे लगातार हमें अच्छे से चलाना है वरना इसमें लम्स पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर इसे हम 5 से 10 मिनट तक और पकाएंगे थोड़ा सा पानी डालकर और यहाँ पर हमारी मस्त सी ग्रेवी वाली सब्जी बनके तैयार हो जाएगी।